गोरखपुर में बुधवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,362 पहुंच गया है। इनमें 20,899 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 357 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 106 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जांच रोजाना 3,000 से 4,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जांच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो शाहपुर थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के चरगावा में 2 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि डॉक्टर सुधाकर पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।